मैं सभी से ये तो आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। बता दें आपको कि आज जो है एंटी नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जनाब वफादार हुसैन साहब के मुख्यालय पर जो है पद वाटप का प्रोग्राम किया गया है, लोगों को जो है पद दिया गया है। और इसी संदर्भ में जिन जिन लोगों को पद दिया गया है उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया है ये क्या काम करती है और कहां कहां पर इसके ब्रांचेस हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया जिस तरह से मेंबर बनाए जा रहे हैं और हमें ये भी पता चला है कि ऑल इंडिया में इनके ब्रांचेस भी हैं, क्या कार्य है इनका, मुख्य रूप से क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन है और हम करप्शन के लिए, जैसे आजकल जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या आमतौर से करप्शन होता है उसकी रोकथाम के लिए हमको जो है कहना में रखा गया है। और जो नशा मुक्ति का सबसे बड़ा हमारा अभियान है कि हम पुलिस के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और नशा मुक्ति के लिए जो है हम काम करते हैं। और जैसे और भी लीगल काम है, जैसे गवर्नमेंट में रिश्वत मांगी जाती है या कोई ऑफिसर रिश्वत मांगा जाता है तो हमको प्रूफ के साथ बताया जाए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, नीति आयोग क्या है, लोगों को आप जरा संक्षिप्त में बता दिए। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, नीति आयोग, जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन है और हम गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइन है उसके जो है कहना में अंतर्गत हम काम करते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो है नेशनल एंटी करप्शन के नाम पर जो है अपना कार्ड बना करके और लोगों से जो है वसूली का भी काम करते हैं। इस तरह की अगर कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप हमको बताइए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के वफादार साहब, अध्यक्ष वफादार साहब, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपको पद दिया गया है थाने डिस्ट्रिक्ट का, तो किस तरह से आप जो है एंटी करप्शन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार द्वारा जो है उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करेंगे? देखिए, इसमें आज जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे यहाँ, वो इसीलिए रखा गया है कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के और हमारे अंडर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए और उनको जो भी उनकी आईडी कार्ड है, सर्टिफिकेट है, वो दिया जाए। और इसी के साथ साथ में देखिए, जो भी एंटी करप्शन का हमारा कानून है यानी जो हमारे राइट्स हैं उसके लिए ये बुक है, तो इस बुक को पढ़ने के लिए आप लोग ज़रा समय निकालिए, जो भी हमारे यहाँ के ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, और इसको देखें आपके इस बुक में क्या हमारे लिए जो है दिया गया है, लॉ क्या है, हम हमारे अंडर में क्या चीज़ें आती हैं, हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह से आप नाम का अगर मतलब निकालते हैं कि नेशनल एंटी करप्शन, तो नेशनल एंटी करप्शन का मतलब ये होता है कि हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ भी करप्शन होता है उस करप्शन के बारे में अगर हमें किसी की जानकारी होती है तो हम वहाँ पर जाकर के उस करप्शन को समाप्त करने के लिए जो भी हो सकेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमारे स्टेट लेवल पे हो, उसे हम जो है बखूबी अंजाम देंगे। सर, जिस तरह से जनाब इकराम साहब ने ये बताया कि मैंने उनसे सवाल किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी बना करके नेशनल एंटी करप्शन की और लोगों से वसूली का काम करते हैं, जैसे कहीं टोल नाके पे पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं? देखिए, ये आपका कहना जो है ये कई हद तक सही हो सकता है, लेकिन हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा केस आया नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमारे सामने वो चीज़ आती है तो हम लोग इसके खिलाफ जो है बहुत सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रदेश के एंटी करप्शन के प्रवक्ता जनाब सलमान रिजवी साहब, उनसे भी हम दो शब्द सुनेंगे कि जो आज पदवाटक किया गया, जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसके बारे में जिनको ये पद दिया गया है उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डीके पाठक जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इकराम हैदर जैदी साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे चुना और मेरे अंदर वो चीज़ देखी कि हो सकता है मैं नेशनल एंटी करप्शन के लिए कुछ बेहतर महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे वफादार हुसैन साहब जो थाने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं नेशनल एंटी करप्शन के। हमने जो टीम बनाई है इसमें से कोई भी एक लोग ऐसा नहीं है जो करप्शन के साथ हो या करप्शन से जुड़ा हो, हमने वही टीम बनाई है जो करप्शन के खिलाफ हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक और ऑफिसर्स तक या पुलिस तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जो भी
आपके लिए या जो भी काम होगा आप बताएं कहाँ करप्शन हो रहा है क्या नहीं हो, हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आप हमसे कोऑर्डिनेट करें और बहुत हद तक थाने डिस्ट्रिक्ट में हम करप्शन मुक्त हम करेंगे, हमारी कोशिश है। सर मुमरा के अंदर जिस तरह से बढ़ता हुआ नशा है और लोग यहाँ के जो युवा जनरेशन है वो नशे में लुप्त होती जा रही है, उसके लिए आपकी जो ये टीम है किस तरह से यहाँ के प्रशासन पुलिस प्रशासन का साथ देगी? देखिए इससे पहले भी पुलिस प्रशासन का हम लोग ने साथ दिया था, लेकिन वो बात और थी जो हम लोग कोई पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो हम लोग को पावर्स मिले, अब आने वाले वक्त में मैं आपके दावा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुमरा शहर से हम नशा मुक्त करके दिखा